मैं अभिषेक बिहारी न्यूज से, और आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्यों हर साल फेल हो जाते हैं नीतीश बाढ़ रोकने में। बिहार में बारिश ने जो कहर इस साल ढाया है वो हर साल के मुकाबले ज्यादा है। पहले जो परेशानी अगस्त में आती थी वो इस बार जुलाई के दूसरे हफ्ते में ही दस्तक दे चुकी है। सवाल ये उठता है कि बिहार सरकार जो आश्वासन देने में लगी रहती है कि सब कुछ सही है, क्या सच में तैयार है? नीतीश कुमार ने नेशनल डिजास्टर की 26 टीमों से मदद ली है, हजारों नाव बिहार की मदद के लिए लाए जा चुके हैं, पर फिर भी तबाही का मंजर सामने है। फिर आता है नेपाल, जिसने कोसी बराज के 56 गेट खोल दिए हैं और सारा पानी आ गया बिहार में। इस बाढ़ में बिहार के कुल 12 जिले प्रभावित हैं, 2.5 मिलियन लोगों पर इसका असर है, 546 पंचायत जो इसके चपेट में है। मक्के बाजरे के खेत पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, अर्थव्यवस्था पर तो एक चोट है ही, साथ ही साथ लोगों की जानें भी जा रही हैं। अब गलती नीतीश की है या नेपाल की, भुगतान बिहार की आम जनता ही करती है। तो चलिए जानते हैं हम हर बार क्यों इस बाढ़ में सुनियोजित ढंग से लड़ने में नाकामयाब हो जाते हैं। पहला कारण है कोसी का हर समय दिशा बदलते रहना, जो प्राकृतिक है, पर पहले ये नदी इतना तबाही नहीं मचाती थी, तो अब क्या कारण है? दूसरा कारण है सरकार की कोशिश, जो हमेशा अधूरी लगती है। नीतीश ने धन राशि से मदद करने का वादा तो कर दिया, पर वर्षा जल को सुनियोजित तरीके से जमा करने का कोई प्लान सरकार के पास नहीं दिखता। आपको याद होगा कि कैसे मॉनसून से पहले बिहार के कई इलाके पानी की कमी से जूझ रहे थे। तीसरा मुद्दा है पर्यावरण पर इंडस्ट्रीज का बुरा प्रभाव। पेड़ों को बेधड़क काटा जा रहा है, और हम ये नहीं कहते ये सिर्फ बिहार में हो रहा है, पर इसका असर बिहार पर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगर अपने तरीकों से बारिश के पानी को जमा करने की तकनीक बना लेते हैं तो शायद बाढ़ के इस कहर को रोका जा सकता है। कोसी, बागमती, कनिका बालन, गंडक ऐसी कई नदियां हैं जिनसे ये दिक्कत है। अब देखना है सरकार अगले साल के लिए अपनी तैयारी कैसी रखती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप हमारे Facebook पेज से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।